संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव महापुरुष भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यार एक बात बताऊं संबित, आपको आप जैसा एक्टर, आप जैसा लो शेल्फ लाइफ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और ये आपको पता है इस बात के बारे में। आप जैसा चापलूस चाटुकार मैं किसी को नहीं मिला। मेरे घर का कुत्ता है ना, वो भी इतनी चापलूसी नहीं करता मेरे साथ। उसको भी अगर देते हैं खाना तो उसको पता लगता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, समझे आप। मगर आपकी चाटुकारिता का कोई भी लेवल नहीं है। यू आर अ फ्रॉड, यू नो, यू आर अ फ्रॉड टू योरसेल्फ, यू आर अ फ्रॉड टू द नेशन। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों सबको, ये आदमी किसी दिन भारतीय जनता पार्टी को भी दे देगा दगा। ये किसी का सगा नहीं हो सकता। कैसे आप ONGC के डायरेक्टर बने हुए हैं, कैसे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर से आप प्रवक्ता बन गए हैं। आपको अपना इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी संबित पात्रा, क्योंकि जो हरकतें आपकी हैं ना वो देशद्रोह की हरकतें हैं, क्योंकि आप सच के साथ नहीं हैं। जो सच के साथ नहीं है ना वो देशद्रोही होता है मेरी नज़र में। और मैं तो खुले खाते में बोलता हूँ, आई डोंट मिंस माय वर्ड्स। व्हेन आई नीड टू एड्रेस अ फूल आई नीड टू टेल हिम दैट ही इज़ अ फूल, पीरियड। अगर आप एक बेवकूफ़ आदमी को बेवकूफ़ ना बोले तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लग जाता है। किस तरह की चीप डिबेट्स करते हैं आप, लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, महिलाओं को इंस्टिगेट करते हैं, दूसरी कौम के लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। डू यू थिंक कि किसी को नीचा दिखाने से आप बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे? यू नो व्हाट संबित, आप लोगों के कारण, आप लोगों के कारण आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। यू नो व्हाट, बिकॉज ऑल पीपल आर नॉट फूल लाइक यू, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन ब्रेन्स। ये जो आप जिनको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, ये बहुत ही चीप लोग हैं, और आप उनके सरदार बन बैठे हैं जो उनसे भी ज़्यादा चीप हैं। ये 31% जो आपके जाहिल जो आपने इकट्ठे करे हैं ना देश के अंदर, देखिए एक बात बताता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे आप आइएगा, इनकी जालियत के नमूने रोज आते हैं मेरे पास, रोज। इनकी कोई औकात नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। इनको आपने 15 लाख के बना दिए घुंघरू, उस घुंघरू के अंदर आपने इनको बना दिया अपनी भारतीय जनता पार्टी की तवायफ हैं, और ये आपके जैसे ही आप ढोल पीटने लग जाते हैं ये लोग नाचने लग जाते हैं। यार फॉर गॉड सेक, यू नो, फॉर गॉड सेक संबित, लीव इंडिया अलोन, लीव इंडिया अलोन। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, आई एम अगेंस्ट द वे यू डील, आई एम अगेंस्ट द वे यू ट्रीट पीपल। यू थिंक कि आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं एंड यू कैन हैव अ डिबेट विद एनीबॉडी। यू नो व्हाट, आई मे नॉट चैलेंज यू, बट समवेयर डाउन द लाइन इन माई लाइफ आई वुड लाइक टू हैव अ डिबेट विद यू। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, डू यू रियली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इंडिया, और डू यू रियली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी? व्हाट इज द डिफरेंस? यू आर नॉट इंडियन, you are not Indian, you are a totally anti-social element in India, because you instigate people, you know, you instigate, the way you do the debates, बैठ जाइए, ये करिए, वो करिए। एक बारी राजीव त्यागी जी ने आपके बारे में बोल दिया था, आप वहीं पे बिल्कुल बौखला गए थे। और एक आपका छोटा भाई है वो अमीश देवगन, आप दोनों कार्टून लगते हैं मुझे, यू पीपल लुक लाइक कार्टून। आप किसी को भी अपनी भाषा बता दीजिए जिनको कनेक्शन नहीं है विद द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दे विल टेल यू दैट यू लुक लाइक अ स्टूपिड मैन ऑन TV, यू रियली लुक लाइक अ स्टूपिड मैन ऑन TV। एक हमारे यहाँ पे भी NBC में आता है, यू रियली वॉन्ट टू डुप्लीकेट हिम, एक वो अर्णब गोस्वामी है, आप लोग सैंपल्स इकट्ठे हो गए, यू नो, जस्ट लीव इंडिया अलोन। एक वो अमीश देवगन है, वो कहाँ से एंकर लगता है? ही लुक्स सो स्टूपिड, चिल्लाता रहता है, ही इज, वो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती से एंकर बन गया है। उस आदमी को तो सुबह सुबह जो पेपर बांटने वाला आता है ना, वो नौकरी वाला मिले, वो नौकरी भी नहीं मिले पेपर बांटने वाली अमेरिका में, मैं गारंटी करता हूँ आपको। और आपको कैसे प्रवक्ता बना रखा है भाई, मैं तो अमित शाह जी को एक चीज़ बोलता हूँ, इनको हटवा दीजिए, ये जहर घोलने का काम करते हैं और BJP के वोट कटवाने का यही काम कर रहे हैं, मैं गारंटी करता हूँ आपको। हर आदमी जो बोलता है वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रवक्ता बन सकता है, आप नहीं बन सकते। 15 साल के बच्चे के साथ आप डिबेट नहीं कर सकते, आप करके दिखा दीजिए जो स्कूलों में डिबेट होती है, हार जाएंगे आप, क्योंकि आपको डिबेट करना नहीं आता, आपको इंस्टिगेट करना आता है लोगों को।
जो डिबेट करना और इंस्टिगेट करने में जमीन आसमान का फर्क है संबित पात्रा, यू नो यू आर एन एंटी नेशनल, आप एंटी नेशनल हैं, आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं, समाज द्रोह का भी काम करते हैं आप, क्योंकि आप सच को सच नहीं बोल सकते। एमजे अकबर के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, भीगी भीगी बिल्ली की तरह भागते नजर आ गया, क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं है आप लोगों का, ये ढोंग है और ढोंग को बंद करिए। थैंक यू सो मच।